हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं, ए एन डी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको इसी प्रकार नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन डी। और आर्टिकल्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट और वावल क्या होते हैं। हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और जो 5 है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो वोवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वोवल। और वोवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल है। और ये किस प्रकार की आवाज़ देते हैं? जहाँ ये शुरू में आते हैं तो ए आ ई ई ऊ ए ओ, ऐसी आवाज़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्स की स्पेलिंग आपको पता है, ओ एक्स। तो ओ क्या है? वावल है हमारा, और वो कैसी आवाज़ दे रहा है? ऑक्स, ओ की आवाज़ दे रहा है वो। इसी प्रकार एग, ई डबल जी एग, तो किसकी आवाज़ दे रहा है? ए की दे रहा ना। आर्म, वो किसकी आवाज़ दे रहा है? आ की आवाज़ दे रहा है। आर्म आ की आवाज़ दे रहा है। तो जहाँ पे जो मैंने आगे लिखी है इनसे अलग भी हो सकती है, परंतु ये वावल साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? वावल साउंड। तो आपको वावल समझ में आ गया। वावल कितने हैं? वावल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और टोटल कितनी अल्फाबेट होते हैं हमारे? 26। तो अब हम शुरू करते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों, ए का प्रयोग कहाँ पे होता है? चलो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 8 is blank book. 8 is blank book. ये हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनमें हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? यूज ऑफ ए। तो इस कहाँ प्रयोग होता है? ए का प्रयोग कहाँ होता है? बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? ये जो वावल साउंड होती है इनसे अलग जो हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, कैसे है तक, वो सारे की सारे क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। क ख च न ट त प ब भ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। और जो अपने स्वर होते हैं हिंदी में वो क्या कहलाते हैं? हमारे वावल साउंड। जो स्वर होते हैं ए आ ई ई ऊ ए आई ओ औ अं ए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वावल साउंड होते हैं, जिनमें से कुछ साउंड ऐसी होती है हिंदी की जो इंग्लिश में नहीं आती, फिर भी जो हमारे स्वर की जो साउंड होती है वो कहलाती है हमारी वोवल साउंड। और जो हमारे व्यंजन की साउंड है वो हमारी कहलाती है कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब देखिए, इसमें ए या एन हम किसका प्रयोग कर रहे हैं?
ए का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। तो ए कहाँ होता है, जब जो हमारा खाली स्थान है, जो ब्लैंक है, उसके बाद जो नाउन है, उस नाउन की जो साउंड है वो कैसी है, उसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वावल साउंड है। अब यहाँ पे देखिए बुक, तो क्या आया, बै, तो बै क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है बी से, ए, ए हमारा वावल है, ए के बाद बी, बी वावल नहीं है तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या आएगा, ए। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे बै की आवाज़ है यानी कि बी है, जो एक कॉन्सोनेंट है बी, तो ये बी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, ए। परंतु हमें कॉन्सोनेंट नहीं देखने, उसकी आवाज़ देखनी, उसकी साउंड देखनी है। कई शब्द ऐसे आएंगे जिसके आगे कॉन्सोनेंट है परंतु वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, वो चलो बाद की बात है। अब यू आर ए बॉय, यहाँ पर फिर बै की साउंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। सी इज ए गर्ल, तो गै, गै किसकी साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट की साउंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। इट इज बैग, तो फिर बै, बै किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे क्या है, ए। दिस इज ए बैग। ही इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे किसकी साउंड है, सै, सै क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। क्या आएगा बच्चों, ए। तो आपको पता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, वावल साउंड से अलग जितने भी साउंड है वो सारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब हम प्रयोग करते हैं एन का, एन, एन का प्रयोग क्या होता है, बिफोर ए वावल साउंड। चलो हम कुछ वाक्य लिखते हैं, इट इज ब्लैंक, इट इज ब्लैंक अम्ब्रेला, ही हैज ही हैज, अब वावल साउंड का जो वर्ड होगा चलो अब करते हैं, ही हैज, यहां हमें देखना है कि ए आएगा या एन आएगा। क्यों आएगा एन, क्योंकि हम यूज ऑफ एन का ही कर रहे हैं, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, तो पता है यहाँ पे एन आएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आएगा, इसको बोल के देखिए क्या है, ऑक्स, तो यहाँ पे अपने कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है बल्कि जो मैंने वावल साउंड लिखी है ऑक्स, तो ये क्या आया, ऑक्स, तो ही हैज एन ऑक्स। इसको जब पढ़ते हैं, सी हैज इंक, इंक पॉट, ई, ई की आवाज आई है तो ये क्या आएगा, एन। सी हैज एन इंक पॉट। इट इज एग, तो एग में किस चीज की साउंड है, वावल साउंड है ए, तो किसका प्रयोग होगा, एन। इट इज अम्ब्रेला, इट इज अम्ब्रेला, तो इसमें भी किसकी साउंड है, ए, तो क्या आएगा, एन। ही हैज, अब देखिए इसके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है या वावल है, क्या है ये,
कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, जबकि एन को मैंने क्या लिखा है, बिफोर ए वावल साउंड, वावल के आगे नहीं आएगा, वावल साउंड के आगे एन का प्रयोग होगा। परंतु इसको जब हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं बोलते, है की आवाज इसमें नहीं आती, जो एच है वो साइलेंट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट, ओ ओ। तो जब तभी मैंने लिखा है कि बिफोर ए वोवल साउंड, कई बार क्या बताते हैं कि वोवल से पहले एन का प्रयोग होता है, तो वोवल से पहले एन का प्रयोग नहीं होता, वोवल साउंड से पहले। यहां पे वोवल का कोई वाक्य हम लिखते हैं जिसके आगे वोवल है परंतु उसके आगे एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसका जो साउंड है वो वोवल साउंड ना होके कॉन्सोनेंट साउंड आता है, वो चलो हम बाद में करेंगे। परंतु इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी साउंड का, इसमें वोवल साउंड का प्रयोग किया जा रहा है, ऑनेस्ट। तो ओ, ओ क्या है, वोवल साउंड है, तो यहां भी किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। ही हैज एन ऑनेस्ट बॉय, उसके पास एक ईमानदार लड़का है। ही पास्ट ही पास्ट, अब ये क्या है, इसके आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है एच, क्या है कॉन्सोनेंट एच, परंतु इसको जब पढ़ते हैं तो हावर नहीं पढ़ते, आवा आवा। तो यहां पे किसकी साउंड आई हमारी, वावल साउंड, किसकी वावल साउंड आई है, तो इसलिए यहां पे एन का प्रयोग होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि ए ए किसके लिए प्रयोग होता है, ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग होता है और एन वावल साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। हम बोलेंगे, बोलने से पता चलता है कि हम पहले क्या बोल रहे हैं, अगर हम वावल साउंड बोल रहे हैं तो उसके आगे एन का प्रयोग होगा, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं तो ए का प्रयोग होगा। हमें आगे के ये जो अल्फाबेट है या इधर ये दे रखे हैं, इनको हमें नहीं देखना, हमें पढ़ना है और पढ़ के उसकी साउंड को पकड़ना है, उसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वावल साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो ए, अगर वावल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं हम दा की, किसकी बात करेंगे हम, आप बात करते हैं हम दा की। तो दा का कहां प्रयोग होता है, दा का प्रयोग मेन किसके लिए प्रयोग होता है, जो अपने लिए दुनिया में अकेले होते हैं, जो दुनिया में केवल एक ही है, इनसे अलग भी होता है परंतु आपके लिए एक ही बात बताता हूं कि आप छोटे छोटे बच्चे हो तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखिए कि वो दुनिया में केवल एक ही हो। जैसे नदियाँ हैं तो नदियाँ दुनिया में कितनी है, बहुत है, तो नदियाँ एक नहीं है, परंतु गंगा नदी कितनी है, गंगा नदी पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही है, तो गंगा नदी जो है वो दुनिया में एक है। तो गंगा से पहले क्या आएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा, द गंगा इज ए होली रिवर, कि गंगा है वो एक पवित्र नदी है। नदियां तो बहुत है परंतु किसकी बात हो रही है, गंगा, जो गंगा नदी है वो पूरे विश्व के अंदर केवल एक ही है, दूसरी गंगा नहीं है। इसी तरह सूर्य कितने हैं पूरी दुनिया में, सूर्य एक है, द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य दुनिया में एक है, और दुनिया में क्या एक है, द मून राइजेस
द ताजमहल। ताजमहल दुनिया में एक है, द ट्रिब्यून ये नाम है अखबार का, हमारे न्यूज़पेपर का। तो जो जब आपके सामने ये लगे कि ये जो आगे दिया है वो हमारे लिए दुनिया में एक ही है, वो वहाँ पे जो भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक हो वो उसके लिए क्या, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग किया जाता है। तो आपके लिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दा का प्रयोग आप ऐसे याद रखिए कि जहाँ दा का प्रयोग होता है उसके आगे जो नाउन है या प्रोनाउन है वो दुनिया में अकेले ही होंगे। तो बच्चों आज हमने किया ए एन और दी जो आर्टिकल्स है हमारे तीन, उनका प्रयोग करना। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।